नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकली लगाने के लिए डैश डैश का प्रयोग होता है। जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जो रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABC से जैसे जेड तक अल्फ़ाबेटिकली लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए उपयोग होता है सॉर्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सॉर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक डैश डैश इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को ही इंस्टॉल करें। जैसे कोई भी प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आपको उसकी कुछ फीचर्स ही चाहिए, तो उस आप सिर्फ उसी प्रोग्राम की सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फीचर्स को ही इंस्टॉल करते हैं, उस इंस्टॉलेशन को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कस्टम इंस्टॉल। जो होता है ये क्षमता देता है कि आप कुछ कुछ ही सिलेक्टेड फीचर्स को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं वो किसमें करते हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फाइल टाइप को पहचानने में जो फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है कि फाइल किस टाइप की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एमएस वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प डैश डैश में रहता है। जो वर्ड आर्ट नाम का जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो एमएस वर्ड 2007 में किसमें था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट मेनू में था जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन, जो एमएस वर्ड 2007 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिट मैप इमेज को बनाने तथा सुधारने वाले प्रोग्राम को डैश डैश कहते हैं। जो बिट मैप इमेज को बनाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यूज़र के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को कहा जाता है। जो यूज़र की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती है उसके साथ जो कॉरपोरेशन होता है उसको कहा जाता है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कई लोग अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिन्हें वेब ब्लॉग्स अथवा डैश डैश कहा जाता है। जो वेब ब्लॉग्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, ये पूछा है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉग्स। जो ब्लॉग्स होते हैं उनको ही वेब ब्लॉग्स कहा जाता है, और वेब ब्लॉग्स को ही ब्लॉग्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डैश डैश का उदाहरण है। जो टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग होती है सिग्नल्स की, वो किसका उदाहरण है, ये पूछा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है वो सिंप्लेक्स का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फार्मिंग। जो मेन साइट से बोगस साइट की तरफ जो नेटवर्क का ट्रैफिक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड प्रयोग किया जाता है। जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है वो किस में यूज़ होता है इनमें से? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो टैप ड्राइव्स हैं उनमें जो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है इनको एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, SQL का पूर्ण रूप क्या है? जो SQL है उसकी फुल फॉर्म क्या है?
तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल होता है वो होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन चैनल्स में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं होता। जो कौन सा चैनल है जिसमें जो संदेश है वो दोनों साइड होता है बट एक टाइम पे नहीं होता। जैसे एक टाइम पे इस साइड जा रहा है सिग्नल तो उस टाइम इस साइड नहीं जाएगा, और जब इस साइड को चैनल की ट्रांसमिशन हो रही है सिग्नल की तो दूसरी साइड का जो चैनल है वो यूज़ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, टार्टन जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बायोमेट्रिक्स एक डैश डैश है, जो बायोमेट्रिक्स यूज होता है वो कौन सा है? बायोमेट्रिक्स है इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश का प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। इनमें से किसका यूज होता है जो कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम है जो कंप्यूटर को हैक होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम का अन्य नाम है, जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है उसका और क्या नाम है ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन एक्सपर्ट सिस्टम। नॉलेज बेस्ड सिस्टम को एन एक्सपर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज डैश डैश के मेंबर होते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज डोमेन के मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ओएसआई की थर्ड लेयर है? जो ओएसआई की थर्ड लेयर कौन सी है इनमें से ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? जो किसी अन्य डिवाइस से आप कनेक्ट करेंगे रिमोटली उसको जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है थेलनेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेमोरी जो बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं? जो बार बार कोई डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उसको जो स्टोर करती है मेमोरी उसे कहते हैं कैचे मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैचे मेमोरी का जो काम है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सॉफ्टवेयर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आप इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं जो भी आपको चाहिए उनको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाता है डैश डैश, इनमें से कौन सी की का यूज़ किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए? इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, F5 जो की है उसका जो
प्रयोग है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को देखने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।